हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत सरकार द्वारा दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है हमारे पूरे भारत में। दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। और सबसे खास बात यह दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी। सपोज करो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में भी हो सकती है, और अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हो तो आपकी पोस्टिंग वहां भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी वैकेंसी निकली कहां कहां पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, एनआईए, सीबीआई, नारकोटिक्स, हर जगह दोस्तों वैकेंसी आउट हुई और भारत सरकार द्वारा निकली है पक्की सरकारी नौकरी। दोस्तों सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज का एड्रेस, सारी बात अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। और दोस्तों इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वैकेंसी के साथ। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों पोस्ट आउट हो चुकी है भारत सरकार के अंतर्गत। सीडीएल ने वैकेंसी आउट कर दी है, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल पोस्ट दोस्तों 6500 से, यानी कि 6506। इन पोस्टों को दोस्तों दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप बी की। जो दोस्तों ग्रुप बी है उसमें भी दो बाइफरकेशन है, जैसे कि गजेटेड पोस्ट और नॉन गजेटेड पोस्ट। जो गजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की वो है 250, और जो नॉन गजेटेड है वो है 3513। अब आते हैं ग्रुप सी की तरफ को दोस्तों। इसमें जो वैकेंसी निकले नॉन गजेटेड पोस्ट है भी 2743 वैकेंसी है। तो इनकी जो ओवरऑल वैकेंसी कंपाइल होती है वो होती है 6506 वैकेंसी। अब दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जो ग्रुप बी की वैकेंसी है उसमें मांगी गई है मैक्सिमम पोस्ट में 20 से 30 साल, और जो ग्रुप सी की है दोस्तों उसमें मांगी गई है 21 से 27। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में अलग बाइफरकेशन भी दी गई है, जिसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट जरूर रीड करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाकर रीड कर लेना। दोस्तों सैलरी का भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आपको खुद एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों ओवरऑल 32 टाइप की पोस्ट निकली है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मैक्सिमम भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, कस्टम डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटर, ये जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आउट हुई है। पोस्ट के नाम बता देता हूं कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, ये बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। तो ये सब आपको अप्लाई करनी है। टोटल पोस्ट है 6506। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये चार फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, यानी कि चार टायर कंडक्ट होंगे। सबसे पहले होगा सीबीटी, यानी कि टायर वन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरा होगा डिस्क्रिप्टिव, और चौथा होगा दोस्तों स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग वगैरह होगी। ये चारों फेज जो पार करेगा बच्चा उसकी फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर अगर हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हमें दिल्ली कैसे मिलेगी, या हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमें यूपी कैसे मिलेगी। दोस्तों ये बेसिकली डिपेंड होता है आपके मार्क्स पे और आपकी प्रेफरेंस पे। सपोज करो दोस्तों आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपने प्रेफरेंस सबसे पहले दिल्ली डाल दी है, और अगर वहां पे सीट अवेलेबल है तो आपको दिल्ली की सीट मिल जाएगी। और दोस्तों प्रॉपर ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं और सरकारी नौकरी होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी के लिए भी आपको बाइफरकेशन देखनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट में, उसको एक बार आप जरूर रीड आउट कर लेना। कम से कम आपकी 50 से 60 हजार स्टार्टिंग बनती है इस सीजीएल की जॉब में। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपकी कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए दोस्तों। ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया दोस्तों, ना कोई टेक्निकल फील्ड मांगी है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसको फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया रहेगा और आपके एप्लीकेशन चार्जेस कितने लगेंगे। आप 29 दिसंबर 2020, यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर देना। और 31 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जल्दी जल्दी आप इसको अप्लाई कर देना। दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन चार्जेस की। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे, और अगर एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट बड़ी जबरदस्त है, इसको अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट साल भर में एक बार निकलती है और काफी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है कि इसकी तैयारी कैसे करें और जल्दी जल्दी इसकी कौन सी बुक प्रेफर करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा कि आप इसकी सहायता लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।